तो गाइस आईफोन की इस सेटिंग के बारे में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने उल्टा सीधा बता रखा था। उनका कहना था कि आईफोन के अंदर ये जो सेटिंग है जैसे डी पे है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, वैसे ही ये आईफोन के अंदर डी पे की तरह काम करती है। आप इसे जितना ज़्यादा रखोगे आपकी सेंसिटिविटी उतनी बढ़ेगी, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और वाइट एफ एफ बाहर के जितने भी यूट्यूबर और हैं वो सारे भी अपनी आईफोन सेटिंग वाली वीडियो में ये सेटिंग ज़रूर से बताते थे, पर ज़ेरॉक्स भाई ने अपनी वीडियो में ये सारा क्लियर कर दिया था कि इसके साथ कुछ भी नहीं होता है। मैं ज़ेरॉक्स भाई का क्लिप चला देता हूँ। और ये देखो, ये बहुत सारे बंदे का मानना ये है कि स्विच कंट्रोल में जाकर ग्लाइडिंग कर्सर में सिंगल करो और 120 करो। भाई भाई ये आप लोग अगर जीरो में भी रख के खेलोगे और 120 में भी रख के खेलोगे तो सेम गेम प्ले आप लोगों को नजर आएगा। और हाँ, बस एक ही चीज है आईफोन में सेटिंग के अंदर जो आप लोगों को गेम प्ले में फर्क पा सकता है, और वो चीज है लूप्स। जी हाँ गाइस, स्विच कंट्रोल के अंदर एक सेटिंग होता है लूप्स करके। अगर आप लोग कम में रख के खेलते हो जैसे 1 2 3 4 5, और अगर आप लोग ज्यादा में रख के खेलते हो 10 से 9 8 जैसा, तो ज़्यादा में क्या होता है कि आप लोग का 1 टैप्स ज़्यादा लगेंगे, और कम में 1 2 जैसे 1 2 3 4 में खेलते हो ना, तो वहाँ पे आप लोगों को SMG गन्स का हेडशॉट्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आप लोगों को थोड़ा सा डिले टाइप का भी फील होगा अगर आप लोग कम लूप्स में खेलते हो तो। ज़्यादा में थोड़ा सा स्मूथ टाइप का फील होगा और 1 टैप्स ज़्यादा लगेंगे। चलो, फेक सेटिंग के बारे में तो ज़ेरॉक्स भाई ने बता दिया, एक सेटिंग बताई लूप्स करके जिसके साथ फर्क पड़ता है। काफी सारे प्लेयर्स ने कमेंट्स भी किए थे कि भाई ज़ेरॉक्स भाई कभी भी झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने लूप्स करके एक आईफोन की सेटिंग बताई है, आप उसे टेस्ट करो और हमें बताओ। तो वीडियो देखने के बाद सीधा गया मैं अपनी सेटिंग के अंदर और मैंने लूप्स को चेक किया, तो मेरे फोन में जो डिफॉल्ट पे था वो था 5 पे। ज़ेरॉक्स भाई ने बताया कि अगर आप इसे 10 के ऊपर सेट करोगे, ज्यादा हाई सेट करोगे, तो आपके 1 टैप हेडशॉट ज्यादा लगेंगे, और अगर आप इसे कम 1 2 पे सेट करोगे तो आपके SMG गन के साथ ज्यादा हेडशॉट्स लगेंगे। तो डिफॉल्ट पे ये है 5 पे, और 5 के ऊपर ही मैं शुरू से खेल रहा हूँ, मैंने इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। और आपको पता ही है भाई, मेरे CS के अंदर, लिमिटेड गेम के अंदर और कस्टम के अंदर किस लेवल के 1 टैप हेडशॉट्स लगते हैं। पर फिर भी हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। ज़ेरॉक्स भाई ने सेटिंग बताई है और आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मैं आपके लिए टेस्ट करके बताता हूं। तो लूप्स को मैंने 1 के ऊपर सेट कर दिया। अभी मैं टेस्ट करने वाला UMP, MP5 और MAC-10 के साथ। ऑटो गन्स के साथ मेरे उतने अच्छे हेडशॉट्स नहीं लगते हैं SMG वाली गन्स के साथ, पहले लगते थे अभी नहीं लगते, क्योंकि मैं ज़्यादातर 1 टैप ही खेलता हूं, और फिर जो मैं AR वाली राइफल होती हैं उनका ज़्यादा यूज़ करता हूं तो उनके साथ लग जाते हैं, SMG वाली के साथ कम लगते। तो पहले मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर टेस्ट करके देखा, तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जिस लेवल के अभी आप 1 टैप हेडशॉट देख रहे हो ये वैसे भी लग जाते हैं। आईफोन के अंदर नॉर्मली ऐसे हेडशॉट्स लग ही जाते हैं। और UMP के साथ मैंने पहले टेस्ट किया, उसके बाद मैंने MP5 के साथ टेस्ट करके देखा, तो MP5 के साथ भी लग रहे थे हेडशॉट लग रहे। फिर मैंने MAC-10 को लिया और MAC-10 के साथ भी अच्छे खासे रेड नंबर लग रहे। तो ट्रेनिंग में टेस्ट करने के बाद मैं चला गया CS रैंक के गेम में और मैं यहाँ पे अभी इसको टेस्ट करूंगा। तो पहले राउंड के अंदर मुझे M500 मिला, M500 लेके मैं आगे को गया, एक एनिमी मुझे दिखा उसके ऊपर मैंने फायर किया, वो भाग गया, फिर मैं यहाँ से घूम के गया और उसको मैंने 1 1-tap हेडशॉट मार दिया, मतलब कि एक एनिमी को मैंने हेड मार के डाउन कर दिया। उसके बाद मैं आगे को आया, दूसरे एनमी को मैंने 1 टैप मार के डाउन कर दिया, तीसरे एनमी को मैंने खंजर के साथ काट दिया, और लास्ट एनमी को मैंने 1 टैप हेडशॉट मार। तो अभी आप खुद ये देखो कि लूप्स कम करने से कम हेडशॉट लगते हैं, ऐसा ज़ेरॉक्स भाई ने कहा था। पर पहले ही मैच के अंदर मैंने M500 के साथ 3 हेडशॉट मार दिए। जैसे ज़ेरॉक्स भाई ने कहा था ना कि अगर आप 10 पे सेट करोगे तो आपके ज्यादा 1 टैप लगेंगे, और अगर आप 1 पे सेट करोगे तो 1 टैप कम लगेंगे और SMG गन के साथ ज्यादा लगेंगे। पर मैंने 1 के ऊपर सेट करके 3 1-tap मार दिए पहले राउंड के अंदर CS रैंक की हाई लो भी। तो आप समझ पा रहे हो ना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद मैंने SMG गन्स का भी यूज किया, SMG गन के साथ भी आप देख लो कि मेरे किस लेवल के 1 टैप हेडशॉट्स लग रहे हैं। अरे सॉरी, 1 टैप हेडशॉट नहीं, ड्रैग हेडशॉट देख लो कि किस लेवल के लग रहे हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, हेडशॉट मेरे उतने अच्छे नहीं लग रहे SMG गन के साथ, आपको देखने पे पता लग गया। इसके पीछे का रीजन ये है कि SMG गन्स मुझे चलाने नहीं आती है, मैं इनका यूज करता ही नहीं हूँ, ना के बराबर मैंने इनका यूज किया, मैं ज्यादातर 1 टैप ही खेलता हूँ। और जिस लेवल के हेडशॉट लग रहे हैं ऐसे तो बिना किसी सेटिंग के आईफोन में इससे भी खतरनाक लग जाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ेरॉक्स भाई ने जो सेटिंग बताई है वो काम नहीं करती। देखो, बात ऐसी है कि जो वो सेटिंग है उसके साथ फर्क पड़ता होगा, जैसा ज़ेरॉक्स भाई ने बताया कि उसके साथ थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो वो बात सच है। हाई लूप्स करने से थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी और लूप्स कम करने से स्पीड कम होगी, थोड़ा सा डिले होगा। तो गन्स के साथ हेडशॉट मारने के लिए थोड़ी सी कम सेंसिटिविटी की ही जरूरत होती है, और 1 टैप मारने के लिए हाई की जरूरत होती है। तो जब थोड़ा सा डिले होगा तो SMG गन के साथ ज्यादा हेडशॉट जरूर से लगेंगे, पर लगेंगे उसी के जिसको हेडशॉट मारने आते होंगे। जैसे मुझे 1 टैप हेडशॉट मारने आते हैं तो कम लूप्स के ऊपर भी मेरे अच्छे खासे 1 टैप हेडशॉट लगे, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा। और सेम ही चीज एंड्रॉइड फोन्स के अंदर डीपे के साथ भी होती है, डीपे को कम ज्यादा करने से हेडशॉट्स नहीं लगते। अगर आपको हेडशॉट मारने आते होंगे तो आप किसी भी डीपे के ऊपर हेडशॉट मार सकते हो, पर अगर आपको हेडशॉट्स मारने नहीं आते और आप डीपे को बढ़ा लोगे आपके तब भी हेडशॉट्स नहीं लगेंगे। तो सीधी बात है कि इन सेटिंग्स के भरोसे अपने को नहीं बैठना है, अपने को प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-3 साल तक
तब आप अच्छे खासे प्लेयर बन जाओगे किसी भी फील्ड के अंदर, वनटे फील्ड के अंदर, स्पैम M10 के साथ, डबल वेक्टर के साथ, ट्रोगन के साथ, किसी भी गन के साथ। 2 से 3 साल लगते ही हैं। मैं 2020 से वन टैप खेल रहा हूँ तो मेरे वन टैप हेडशॉट इसलिए लगते हैं किसी भी फोन के अंदर। और कुछ छोटे छोटे चूजे कमेंट करते हैं कि भाई तू आईफोन में खेलता है इसलिए तेरे हेड लगते हैं, तो उन चूजों को हम कहना चाहते हैं कि सेकंड चैनल पे जाना और वहाँ पे ओल्ड वीडियोस को चेक करना। 3 GB रैम के फोन में मैंने डिफॉल्ट डीपे के ऊपर, 800 DPI के ऊपर मैंने हैंड कैम के साथ हेडशॉट मार के दिखाए हैं। तो चूजा लोग वहाँ पे जाओ और देखो, कमेंट करना बंद करो। बाय बाय गाइज़।